हेलो, वेलकम यू गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ द, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ द सेट थ्योरी। और हम लोग फाइनाइट सेट पे जो कुछ ऑपरेशंस होते हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है कार्डिनल नंबर। क्या आता है? कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, किसी भी फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है? तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम लोग क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो उस सेट में कितने नंबर्स होते हैं एलिमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। सपोज दैट हम लोग कोई सेट ए इक्वल टू क्या लिख देते हैं, रोस्टर फॉर्म में ए ई आई ओ और यू, ठीक है फ्रेंड। तो इसका कार्डिनल नंबर हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, एन ऑफ ए। इसको कैसे डिनोट करेंगे, एन ऑफ ए। और एन ऑफ ए क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 5। तो ये क्या बोलेंगे कि 5 क्या है, सेट ऑफ ए का कार्डिनल नंबर है। सेट ए क्या है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं। दैट मीन्स एन ऑफ ए क्या होगा, 5। दैट मीन्स ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि ये कार्डिनल नंबर के रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का क्या होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग यूनियन के बारे में पिछले वीडियोज में पढ़े थे। तो ये क्या होता है कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं क्या होता है कि सपोज दैट ये मेरा क्या हो गया, हम लोग वेन डायग्राम इसको क्या बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल सेट यू मानते हैं। सपोज दैट ए मेरा क्या हो गया, सेट ए। ए क्या हो गया, सेट ए हो गया। और ये क्या हो गया, सेट बी। इसको क्या बोलेंगे, सेट बी। तो सपोज दैट सेट ए में कितने नंबर्स हैं, हम लोग सपोज इसमें मान लेते हैं कितना नंबर्स है, 30 नंबर्स है। और सेट बी में कितना नंबर्स है, 40 है, ठीक है। इसमें कितने नंबर मान लिए, 40। तो जिसमें मान लेते हैं कि 10 क्या है, कॉमन है। 10 क्या है, कॉमन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग 10 को क्या मान लिए, कॉमन। तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू क्या हो गया, 30। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हम लोग का क्या हो जाएगा, यहां ध्यान से देखिए तो क्या हो गया, 40। तो ये क्या है कि ये जो 10 एलिमेंट्स हैं इसमें भी हैं और इसमें भी, मतलब ये जो शेडोड रीजन है इसमें क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट्स दोनों के शामिल हुए हैं। दैट मीन्स अगर सिर्फ पूछें कि ए में क्या होगा, सिर्फ ए में कितना एलिमेंट्स होगा जो कि सिर्फ ए में शामिल है बी में नहीं है, तो वो कितने हो जाएंगे, 20, ठीक है फ्रेंड्स। 20 हो जाएंगे क्योंकि 10 दोनों में कॉमन है। इसमें कितना हो जाएगा हम लोग का फ्रेंड्स, 30, ठीक है। सिर्फ अगर पूछे जो सिर्फ बी से रिलेटेड है तो वो कितना हो गया, 30। और जो दोनों में, ए और बी दोनों में है, वो कितने हो गए, 10। दैट मीन्स अगर हम लोग कहीं पे भी देखेंगे कि ए और बी दोनों में कितने नंबर है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, तो ये वाला जो शेडेड एरिया है ये 2 बार ऐड होता है। कितना बार ऐड होता है, 2 बार। तो दैट मीन्स कि और ए यूनियन बी मतलब क्या होता है कि आइदर वो ए में है या फिर बी में है, ठीक है फ्रेंड्स। या तो सिर्फ ए में है या फिर बी में है। तो अगर हम लोग ये दोनों को ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ ए प्लस क्या करेंगे, नंबर ऑफ बी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये इंटरसेक्शन वाला एरिया 2 बार शामिल, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एडेड 2। ये क्या होता है कि एडेड 2 बार ऐड होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग समझ गए। सिमिलरली जो हम लोग का दूसरा इंपॉर्टेंट रूल होता है वो होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाता है हम लोग का फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जांपल में जैसे हम लोग समझते हैं कि ध्यान से, कोई सेट हम लोग क्या ले लिए, ए ले लिए, क्या ले लिए, ए ले लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या ले लेते हैं, 1 2 3 4,
इसमें क्या ले लिया, 1 2 3 4, और बी हम लोग क्या ले लेते हैं कि 3 4 5 6। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए माइनस बी निकालें, ए माइनस बी हम लोग का क्या हो जाएगा कि सेट ए में जो बी का एलिमेंट है उसको हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, 1 और 2। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालें, क्या निकालें, ए यूनियन बी, तो ए बी में जो दोनों में शामिल है, तो 1 2 3 4 तो है ही दोनों में, ठीक है, 1 2 3 4, और उसके अलावा इसमें क्या आ गया, 5 और 6, क्या आ गया, 5 और 6। दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ हम लोग ए यूनियन बी निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने हो गए, 6। नंबर ऑफ अगर हम लोग बी लिखें कि नंबर ऑफ बी कितना है, कि बी में कितने एलिमेंट्स, तो हम लोग देखते हैं कितने हैं, 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं। और नंबर ऑफ ए निकालें, ये कितना हो जाएगा हम लोग का फ्रेंड, देखिए इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और नंबर ऑफ ए माइनस बी कितना है, नंबर ऑफ ए माइनस बी हम लोग का कितना है, 2। दैट मीन्स ये हम लोग का नंबर ऑफ ए माइनस बी अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। नंबर ऑफ ए इसमें देखते हैं हम लोग कितना है, नंबर ऑफ ए कितना है, 4 है। और अगर हम लोग नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, तो मतलब क्या हो जाएगा कि ए और बी जो दोनों में, तो 3 4 इसमें भी ए में भी है और 3 4 बी में भी है, 3 4 किसमें, ए में भी है और 3 4 क्या है, बी में, तो ये ए इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, 2। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 2। तो हम लोग इसको अगर निकालें कि 4 माइनस 2, तो हम लोग का कितना हो गया, 2, और ये कितना, 2। दैट मीन्स क्या हो गया कि नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जो कि यूज होते हैं। अब तीसरा हम लोग का इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, हम लोग का तीसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये का किस सेट के लिए, अगर ए इक्वल टू हम लोग क्या ले लें, 1 2 3 सपोज ले लेते हैं, और बी इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, 4 5 6, तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ये क्या हो जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, 5। अगर इसको हम लोग लिखें कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हम लोग का क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 0। तो दैट मीन्स इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, अगर हम लोग के ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरा हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या, तीसरा हम लोग देख लिया, अब हम लोग चौथा देखेंगे, ठीक है, कि फोर्थ रूल हम लोग का क्या है, हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में पढ़े, ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पे नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग कैसे दिखाते हैं, बी, तो ये हम लोग का क्या हो जाता है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली ए इंटर ए और बी के डिसज्वाइंट सेट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और ये हम लोग का ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों क्या है, डिसज्वाइंट सेट है, ये दोनों क्या है, डिसज्वाइंट सेट है। हम लोग जो प्रीवियस फॉर्मूला में देखे थे, अगर ए और बी क्या होगा, डिसज्वाइंट सेट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। दैट मीन्स हम लोग का यहाँ क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए ऑलवेज क्या होते हैं, डिसज्वाइंट सेट होते हैं। ये क्या होता है, डिसज्वाइंट सेट है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम लोग का यहां पे देखें कि ए और बी मेरा क्या है, डिसज्वाइंट सेट है, तो ए माइनस बी हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हम लोग करेंगे तो ए ही रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम लोग यहाँ पे बी माइनस ए करें तो हम लोग का क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा, क्योंकि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए और बी हम लोग का यहाँ क्या है, डिसज्वाइंट सेट है। तो किसी भी दो डिसज्वाइंट सेट के लिए क्या होता है,
जिसे हम लोग का यहाँ आप देखें तो ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट है। तो इन दैट केस नंबर ऑफ ए डिसजॉइंट सेट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जब अभी तक हम लोग ये जितना रूल देख रहे थे क्या किसके लिए देख रहे थे कि जब दो सेट्स होता है ठीक है तो उसमें क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हम लोग के पास मोर देन टू सेट्स रहा, ठीक है फ्रेंड, मोर देन टू सेट्स, तो उसमें ये सारे रूल्स कैसे फॉलो होते हैं हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।